हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 7 मानदंडों के अंतर्गत 10वीं के परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। इन 7 मानदंडों के अंतर्गत 9वीं कक्षा प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टर्म एग्जाम प्री बोर्ड का पेपर जो बोर्ड द्वारा ले लिया गया है, इसका मूल्यांकन करवाकर आंकलन कर विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने 7 मानदंडों के आधार पर 10वीं के परीक्षार्थियों का रिजल्ट तैयार करने के लिए बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव अक्षय सूद भी उपस्थित रहे। बोर्ड द्वारा प्रैक्टिकल परीक्षाओं का संचालन पूर्व में करवाया गया था तथा विद्यालयों से प्रैक्टिकल एवं आंतरिक मूल्यांकन के अंक बोर्ड को प्राप्त हो चुके हैं। 10वीं परीक्षा के पेपर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाया जाएगा। विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए मानदंड तैयार करते समय सत्र एवं व्यापक मूल्यांकन को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित विद्यालयों के प्रिंसिपलों मुख्याध्यापकों की अध्यक्षता में परिणाम सारणीकरण समिति का गठन किया जाएगा जो निर्धारित 7 मानदंडों के अनुसार परीक्षा परिणाम तैयार करेगी तथा बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाए गए ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अंक अपलोड करेगी। बोर्ड ऑनलाइन कोडिंग मॉड्यूल तैयार करेगा। उस मॉड्यूल में सभी स्कूलों के विद्यार्थियों का डेटा अपलोड किया जाएगा। जो परीक्षार्थी इस असेसमेंट से संतुष्ट नहीं होंगे, कोविड के हालात ठीक होने के बाद उन्हें पेपर देने का मौका दिया जाएगा। जमा दो के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट किया जाना है क्योंकि सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी है। CBSE और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के जमा दो की परीक्षा रद्द हो गई है, उसके लिए भी एक बड़ा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनेगा। CBSE क्राइटेरिया आने के बाद उसे पढ़कर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का भी क्राइटेरिया नोटिफाई करेंगे। इन परिस्थितियों में, कोविड काल की परिस्थितियों में, बच्चों के पूरे पेपर नहीं हो पाए। सरकार ने रद्द कर दिए थे पेपर और ये कहा था कि एक क्राइटेरिया बनाया जाए, उसके आधार पर 10वीं के बच्चों को नेक्स्ट क्लास में पास किया जाए या प्रमोट किया जाए। हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड ने इसके लिए बहुत मेहनत की। मेहनत करने के बाद एक बहुत ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया है और वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बहुत व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, यूनिफॉर्म है। वो क्राइटेरिया कल हमने नोटिफाई कर दिया, यानी 7 तारीख को वो नोटिफाई हो गया है। और 7 ऐसे पॉइंट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, जिनके आधार पर किसी भी बच्चे को असेसमेंट दी जाएगी या इवेलुएट किया जाएगा। ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के आधार पर और इवेलुएशन के आधार पर ये क्राइटेरिया बना है। इसमें 9th क्लास का भी वेटेज होगा और ऑफलाइन जो पेपर हुए हैं उनका भी वेटेज होगा और ऑनलाइन जो पेपर हुए हैं बच्चों के फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म उसका भी वेटेज होगा। कुल मिलाकर उनको जो असेसमेंट होगी बच्चे की, ऐसे अंक दिए जाएंगे उसे पास किए। प्रक्रिया तो 9 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी स्कूल स्तर पर, क्योंकि स्कूल की एक रिजल्ट टेबुलेशन कमेटी बनेगी और ये प्रक्रिया टेबुलेशन की इस महीने तक चलेगी, जून तक, और जुलाई के महीने में पहले हफ्ते तक सारा रिजल्ट कंपाइल करने का ऐसा सोचा है बोर्ड ने। कंपाइल करने के बाद घोषित कर देंगे पहले जुलाई के पहले हफ्ते में। प्लस टू के छात्रों को भी प्रमोट करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन कैंसिल कर दी हैं सरकार ने। CBSE के भी हो गए हैं, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के भी हो गए हैं। उसके लिए भी एक बड़ा व्यापक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनेगा, थोड़ा सा भिन्न होगा, उसके इंडिकेटर्स बढ़ाए जा सकते हैं और उन इंडिकेटर्स में कौन कौन से इंडिकेटर्स पे असेसमेंट दी जाएगी तो उसके ऊपर हम सोच रहे हैं। पर पहले इंतज़ार करेंगे कि CBSE का क्या क्राइटेरिया आता है, उसमें कौन से मानक और इंडिकेटर्स रहेंगे, उसके बाद हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने उसको नोटिफाई करना है। लेकिन काम हमारा चला हुआ है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और काम करने के बाद जो फिर लगेगा कि CBSE का भी क्राइटेरिया आ गया तो हम उसको देखकर पढ़कर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का भी क्राइटेरिया नोटिफाई करेंगे। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।